मोहन भाई कह रहे हैं भाई शदीद भूख लग रही है, नाश्ता नहीं करके आए, शनिवारी टिक्के खाएंगे। खाने का पहला टास्क हो गया भाई, डन, चिकन ऑर्डर कर दिया। सेकंड टास्क है कबाब लेने के लिए जा रहे हैं भैया। हम दोनों भाई बैठे हैं जहाँ पे, कर रहे हैं एंजॉय और साथ साथ ले रहे हैं बेहतरीन और खूबसूरत किस्म के नज़ारे। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रियान एंड हुरिया व्लॉग्स। आज है ईद का सेकंड डे, 23 अप्रैल 2023, और भाई आज की हमारी डेस्टिनेशन है वाइट पैलेस खानपुर, और घर में बाकी सारे लोग रेडी हो रहे हैं, बच्चे मेरे रेडी हो गए हैं, बाबा रेडी हो चुके हैं और हुरिया फातिमा भी रेडी हो चुकी है। हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका है और सबसे पहला काम जो है ना वो गाड़ी में डालना है पेट्रोल, क्योंकि भाई गाड़ी में होएगा पेट्रोल तो गाड़ी चलेगी, तो पेट्रोल पम्प आ गए हैं, यहाँ से डलवाते हैं फ्यूल। और बाकी जो है वो स्नैक्स वगैरह सामने टक शॉप है, वहाँ से स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेंगे और फिर अल्लाह खैर करे सफ़र की तरफ रवानगी होगी स्टार्ट। भैया ये हमने लगाया 3020 का 10.7 लीटर पेट्रोल आया। जनाब ये आप सारा सामान उठा के लिए टक शॉप का, इतना कुछ? ये हमने खानपुर तक जाना है मैडम, ये कोई हम कश्मीर तो नहीं जा रहे, आपके लेके आई हो बाबा को दिखाओ, लेकर आई है दिखाएं आप क्या लेके आई। ऑन रोड सफर का आगाज हो चुका है और दुआ पढ़ लेनी चाहिए भाई सफर की, सुबहानल्लाह, इससे आपकी सेफ्टी हो जाती है, अल्लाह की तरफ से हिफाजत होती है। ये हमारे आगे जा रहे हैं अंजुम भाई और इस गाड़ी को भाई हमने फॉलो करना है क्योंकि रास्ता में नहीं पता, तो फिर या नेविगेशन लगानी पड़ेगी या ये है कि इस गाड़ी को फॉलो करो, तो फिलहाल के लिए जो है ना हम इस गाड़ी को फॉलो करेंगे। ये अभी भी 10 मिनट का सफ़र स्टार्ट हो गया हमारा और बच्चे जो है ना वो दोनों सो गए हैं हमारे। खानपुर रोड के ऊपर जो है वो हम एंटर हो चुके हैं, संगजानी हमने क्रॉस की है अभी। ये है हमारी फाइनल डेस्टिनेशन वाइट पैलेस और ये सारे लोग जो हैं वो अपनी अपनी कार से नीचे उतर रहे हैं, बस अब हम अंदर जाएंगे और देखते हैं भाई यहाँ पे क्या कुछ है करने को। अस्सलाम वालेकुम मून भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए, ईद मुबारक। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आपने तो मैचिंग पहना भाई पापा के साथ आज है। यार ये व्यू है यहाँ से, ओए होए 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 होए, अच्छा व्यू है। बाकी भी मुझे पता नहीं है कि भाई अगर यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं ना, तो फिर मैं ऊपर जाऊँगा और वहाँ से आपको सही व्यू दिखाऊँगा प्रॉपर वाला। कैसा लगा बच्चों आपको ये, कैसा व्यू है यहाँ? बहुत अच्छा। ऐसा करते हैं चीज़ें निकालते हैं, चिप्स वगैरह निकालते हैं और बच्चों को मैंने जूस के साथ चिप्स खिला देती हूँ पहले। भैया आपके भाई को ये सारी मजदूरी करनी पड़ेगी, यहाँ से चीज़ें निकाल के लेके जानी पड़ेंगी। भैया इनका काम है ना, दरअसल क्या कर रहे हैं? हाँ वो ही ना, कैसे पी रही हो यार भैया? ये सामान पड़ा हुआ है सारा गाड़ी में और भाई जी ये सारा उठा के लेके जाना पड़ेगा अंदर, अब इनमें क्या क्या चीज़ें हैं वो खुलेंगी तो पता चलेगा। भाई ये सारी हमारी गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क हो चुकी हैं और अभी हम लोग अंदर चलते हैं। चलें चलें भाई जी अंदर चलो, सब लोग चले गए अंदर और आपका भाई जो एंड में जा रहा है, लास्ट रह गया। ये व्यू है भाई, ये हमारी जा रही है शहजादी हमारी अनारकली ताजमहल के अंदर। ये सबसे पहले जो है ना अंकल ने शुरुआत कर दी है खाने की।
फ्रूट के साथ माशाल्लाह से बनो। हाँ, ये क्या दूध टाइम हो गया थक गई है मानो थक गई हूँ गाड़ी में सोसो के थक गई सोसो के थक गई है जी 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 अब हमें चाहिए भाई फर्स्ट बाइट। जब तक ये खाने का मेन्यू डिसाइड करते हैं यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं बाहर चला जाऊँ और बाहर जाके आपसे बात करूँ क्योंकि अंदर जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है वो शोर है। बाकी बच्चों ने भाई आके जो है ना वो अपने अपने बेड यहाँ पे मार लिए हैं और वो कह रहे हैं भाई हमने रेस्ट करनी है जब तक खाना तैयार होता है। और अभी तो बाहर गर्मी है थोड़ी लेकिन जैसे ही थोड़ा सा मौसम बेहतर होता है शाम होगी फिर इस जगह को भाई सही इंजॉय करने का मजा आएगा। दोबारा करके दिखाएं मुझे तो ये समझ नहीं आया दूर से करके यस ये मैजिक वो चेक करो यार नहीं लेकिन कैसा मैजिक है यार इसने तंग किया वे हां यहां पे छुपाया वे नहीं नहीं आपने नहीं बताना ये मैजिक रिवील नहीं करना इससे क्या होता है भाई इससे पावर आ जाएगी क्या बात कर रहा है इसमें किस्ती के बगैर ही हम उड़ना शुरू कर देंगे पावर से निकली ये बस मैं पी लूं एक दफा इससे विंग्स आ जाएगी। शैन बेटे आप चेक करो जरा चाचू में पावर आई है हाँ पावर तो आ गई है भाई हैरान ही साकरा शैन वो भाई ये क्या फायदा हुआ ये तो बच्चे से हार गए हो आप पावर इसने उसने पिया हुआ ना अच्छा उसने पहले पिया हुआ था हम लोग किधर जा रहे हैं जो भाई हम खाने का ऑर्डर देने जरा चेक करने के खाने में क्या है और उसका ऑर्डर देंगे और हमने कोई डिसाइड किया है कि हमने क्या ऑर्डर देना है जाके देखेंगे कि जो मिल गया है अच्छी अच्छी ताज़ी फ्रेश हो उसका ऑर्डर देंगे ये हो गया मोस्ट प्रोबेबली चिकन या दुबे की कढ़ाई हो बेहतरीन चलो भाई अभी चलते हैं जाके ऑर्डर करने खाने का और देखते हैं वहाँ पे क्या मिलता है शीशे नीचे करके एसी खोल देना शीशे नीचे करके ऐसी खोल देना वरना कवर जो है ना वो सड़ जाएगी है। इस गाड़ी में मुझे नहीं समझ आती कि बता नहीं नहीं ये इस गाड़ी जो भी गाड़ियों में लेदर का इंटीरियर है ना अंदर वो गर्मियों में भाई एक दफा जो है ना मेरे पास भाई जान ये वो कूल हीटेड कूल विद मसाज सीट्स है। ओ सर आपकी क्या बात है आप आगे बैठो ना आपने हिस्सा बता नहीं नहीं आप गाड़ी के अंदर आके लग रहा है साइबेरिया में आ गए ये देख के ये अंदर खाने जो है वो बन रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं भाई ये पिशावरी रेस्टोरेंट पे और यहाँ से अब देखते हैं जाके कि मेन्यू में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम ऑर्डर करेंगे। अली भाई क्या डिसाइड हुआ है फिर पांच कढ़ाइयां अच्छा बना साथ सैलड रायता और गरम गरम रोटियां पतीली तंदूर से गरम करके मिल जाएगा गरम गरम सर्व करेगा बेहतरीन हो गया अब जा रहे हैं जी यहां उसके बाद चाय पिलाएगा और इधर जो बेस्ट चपली कबाब जो है वो खाएंगे। जिशान कौन सी जगह पोला कबाब जी पोला कबाब ये जिशान भाई रिकमेंड कर रहे हैं क्योंकि भाई यहां के लोकल है पोला कबाब उसके कबाब भी पोले पोले से सिंगापुर हांगकांग थाईलैंड बैंकॉक कहते हैं जब मोबाइल आइलैंड खुला हुआ होता भैया इधर इधर पिक्चर लेके ना नीचे ले दो नाइस ट्रिप इन थाईलैंड बैंकॉक वाइट सैंड बीच और पीछे मून टोपी पहन के खड़ा हो ऐसे ही कमीज खोल दी बस यार बिल्कुल कपड़े भी बिल्कुल जो है ऐसे ही है ना क्या मून पीछे से क्या ये बैंकॉक में गर्मी बहुत ये बिलीव करो ये लगेगा बैंकॉक की ये लगेगा बैंक होगी अभी वाइट पैलेस वैसे ये वीडियो पे अगर मैं ना बताऊं तो ये बाकी लोग ये बैंक होगा और ये मून की टोपी ना खानपुर के माल्टों की बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ के बहुत मशहूर है क्योंकि रेड ब्रेड माल्टा होता है और दूसरा शकरी एक शकरी माल्टा होता है बड़ा मीठा होता है वो पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता है पाकिस्तान में पूरे में एक्सपोर्ट करते हैं आउटस्टैंडिंग और एक रेड ब्रेड लेकिन अब चूंकि सीजन ऑफ हो गया तो अब जो है ना वो कोल्ड स्टोर का पड़ा हुआ है और वो जाहिर थोड़ा सा ड्राई हो चुका होगा इसकी वो लेने का और खाने का फायदा लेकिन इस टाइम की जो फ्रेश चीज मिली ना वो लुकाट है। यस ये कबाबों वाली जगह पे पहुंच गए और भैया ये लाइंस में शॉप है लेकिन किस वाले से हमने कबाब लेना है वो हमें ये जिशान भाई जाएंगे और यही बताएंगे क्योंकि ये यहाँ के लोकल हैं मैंने आपको बताया था तो इनको पता है कि भाई किसका सबसे बेस्ट टेस्ट है और यहाँ पे कबाब जो है ना वो भाई किलो के हिसाब से होता है तो किलो पे कभी 3 लग जाते हैं कभी 4 लग जाते हैं वो आपकी किस्मत है
बाकी ऐसा सीन नहीं होता कि भाई एक कबाब दे दो, दो कबाब दे दो, यहाँ पे किलो आधा किलो दो किलो जितना आप अपनी मर्जी से लगवाना चाहो उतना आप ऑर्डर लगा दो। ये भैया यहाँ पे गैस की कोई सहूलत मौजूद नहीं है और ये लकड़ी पे बन रहा है। ओए होए 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 होए। और भाई ये जो लकड़ी पे इसका अरोमा आएगा बेहतरीन। अंजुम भाई जो इस टाइम ऑर्डर कर रहे हैं उनको बताएंगे कि कितना ऑर्डर लगाना है हमारा। मोहन भाई को कबाब देख के ना बुरा नहीं किया, वो कह रहे हैं भाई हमें यहाँ पे जो सर ने पहले ट्राई कर लूँ। क्या कह रहे हैं आप अली भाई? अंकल जी नहीं बोलते उनके कबाब बोलते। बिल्कुल ही अंकल जी नहीं बोलते। ये भाई जिन लोगों ने यहाँ पे आके जो है ना वो खाने हैं तो भाई ये इनकी शॉप है खानपुर में। भाई ये टेस्टिंग फेज हो गया हमारा यहाँ पे स्टार्ट, तो मैं एक बाइट लेने लगा यहाँ से चेक करने के लिए कि भाई कैसा है। भाई जी बहुत मजेदार है। बाबा हम होटल पे जा रहे हैं। कौन से होटल पे? ओके भाई हमारे पास दो ऑप्शन थी, एक तो ये था कि भाई हम वहाँ से लेके इधर आ जाएं जहाँ पे हम निश्चय किया हुआ है, और सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये थी कि भाई वहीं पे खा लें। तो हमने सोचा कि यार उधर ही खाते हैं क्योंकि वहाँ पे भाई हमें ताज़ी ताज़ी गर्म रोटी मिलेगी और खाना भी गर्म गर्म मिलेगा बजाय कि हम वहाँ से यहाँ लेके आएँ फिर यहाँ से वहाँ जाएँ। तो अब उधर जा रहे हैं सब लोग, वहीं पर जाके खाएँगे। भाई रेस्टोरेंट पहुँच चुके हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ मैं यहाँ से ऊपर, और हमने कहा भाई नीचे बैठने का फ़ायदा कोई नहीं है, ऊपर टॉप व्यू पर जाएँ ताकि हमें अच्छा जो है ना व्यू भी मिले। भैया दिस इज़ द व्यू, टॉप छत पे हूँ होटल की और ये सामने खानपुर डैम है। थोड़ी देर के बाद हम यहाँ से जो है वो जाएंगे खाना खाने के बाद द डैम पे। भाई गरम गरम रोटी है इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, और अभी चिकन हमारा जो है वो रेडी होके नहीं आया, कबाब आ चुके हैं क्योंकि हम लेके आए थे आते हुए, तो कबाब खाना स्टार्ट कर दिया। और भाई बहुत ही मज़े का भैया ये हो रही है हमारी यहाँ पे कढ़ाइयाँ रेडी। अस्सलाम वालेकुम भैया। क्या नाम है भैया आपका? शेरबाज। ये भाई तुम्हारे लिए कढ़ाई तैयार कर रहे हैं यहाँ पे बेहतरीन किस्म की, चेक करो भैया। हाय 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 यार चिकन मान रहा है, हम उसका वेट कर रहे हैं, आपको भूख ज़्यादा तो नहीं लगना शुरू होगी? मुझे इतनी तो नहीं लेकिन आप देख लें मेरी सेहत से आपको लगता है कि मुझे ज़्यादा भूख लग गई होगी। लेकिन फिर भी सुबह से का कुछ खाया हुआ नहीं है तो लग तो रही है इतनी नहीं लेकिन बर्दाश्त। चले बस दस पाँच दस मिनट में बन के आ जाए तो ये अल्लाह करे पाँच दस मिनट में तैयार कर लें। हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो और घंटी के बटन को दबा दें, अगर नहीं दबाएंगे तो चाय आपकी फीकी रह जाएगी। क्या कर रही हो रही है फातिमा? मेरी प्यारी हुरिया। मेरी प्यारी बब्बू। I love you। मेरी प्यारी बब्बू। भैया हमने खाना खा लिया और दोबारा से हम जा रहे हैं रिजॉर्ट की तरफ, वहाँ पे गाड़ियाँ पार करेंगे हाँ, और उसके बाद हमारा प्लान है कि हम जाएंगे और जाके पानी देखेंगे, है ना रे यार? बस आईफोन से बुला रहे हैं। चलो ठीक है चलो चलो। ये भाई जी तो अगला पहिया जो है ना उठा रहे हैं और या तो ये पुटा हो जाएगा रक्षा या ये जो है उस तरह पहुँच जाएंगे जिधर अपनी मंजिल पे जाए हमें पहुँचना। भजन ये हम सामने से निकल के जा रहे हैं सामने झील की तरफ रिजॉर्ट से निकल के, यहाँ से हमें नीचे उतरना पड़ेगा और नीचे उतर के जाने के बाद भाई जी तब हम जो है ना वो स्पॉट तक पहुंचेंगे। इतने दूर हम जा सकते हैं? कितना दूर है पानी? इतना दूर है पानी, देखिए जी देखिए इसका शौक देखें, वो देखें इसका शौक देखें पानी कितना दूर है, और इसको है कि बस पानी में चले जाए चाहे पावे उड़ के चले जाए, वो पैराशूट आ रहा है दिल करता उसको इधर बुलवाते हैं और इसको बिठा देते हैं बस। भाई कितना दूर जाना है वो आप ये देख सकते हैं, ये बेटे किधर जा रही हो रियान? पहाड़ पे गिरना जाना आराम से जाना। ये इसका पहाड़ है देखें। चलो इधर आए हमने उस डायरेक्शन में जाना है, हमने उस डायरेक्शन में जाना है। नहीं नहीं ऊपर चले वहाँ से आ जाएंगे ना, आ जाएंगे जल्दी आए जल्दी आए। जैसे जैसे रात हो रही है
यहाँ का व्यू जो है ना वो और खूबसूरत से खूबसूरत होता जा रहा है। हम जा रहे हैं बोट के ऊपर। ये देखिए मुझे बहुत डर लग रहा है, बस वहाँ से मैंने कभी नहीं जाने दिया, मैं पहली दफा जाने दे रही हूँ और मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कि ये लोग जा रहे हैं यकीन करें मैं क्या क्या पढ़ चुकी हूँ, क्योंकि नहीं थोड़ा ये जा रहे हैं और खौफ मेरे दिल में इसमें जैसे एक माँ का दिल होता है वो आप लोग समझ सकते हैं, बस पता नहीं क्यों मुझे पानी वाटर फोबिया समझते हैं। अल्लाह हाफिज़ भाई। और सिर्फ लॉगिन पे नहीं रहना, बच्चे का ख्याल रखना। ओके क्या कह रहे हो आप? अंकल चलाएंगे। आपने लाइफ जैकेट पहन ली है? बस आराम से बैठना, शरारत बिल्कुल नहीं करनी बोट पे, ठीक है? बोट आ गई है भाई यहाँ से, ये बोट खाली होगी पर हम बैठेंगे इस बोट में इंशाल्लाह ताला। बारह लोग आ सकते हैं इसमें और रियान बैठे हैं बिल्कुल सबसे फ्रंट पे। हेलो करें, ऐसे कर दे ऊंचा सा। ये रुक सरफार जो है ना वो पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं वहाँ पे, मैंने आपको दिखाया, और हम लोग सारे जो है वो बोट में जा रहे हैं और कसम बना रहे हैं यार, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। यहाँ से व्यू चेक करो माशाल्लाह से, कैसा व्यू है, सारी होने की ठीक है। यार यहाँ से तो बंदे को बहुत ही डर लगता है भाई, ये बिल्कुल पानी जो है ना वो करीब हो जाता है बंदे के। कैसा खूबसूरत लग रहा है रियान, मजा आ रहा है रियान, मजा आ रहा यार। इतना कोई अच्छा लगा हमें वहाँ पे, हमें थोड़ा सा एंड में डर लगा था जब बोर्ड ऊपर नीचे हुई थी, उससे पानी अंदर आया, ऊपर ही थी हाँ, पर के थक गई हूं। लेकिन मजा बड़ा आया अभी, बहुत डर लगता मुझे वाटर फोबिया। लेकिन ये इतना ब्रेव बच्चा ही मुझे कह रहा था मैंने वो पैराग्लाइडिंग भी करनी है, मैंने कहा आप हो कितने से छोटे से, तो बेटे ऊपर जाके ना बड़े बड़ों की चीटी गुम हो जाती है। लो जी भाई जी पहुंच चुके हैं, अभी शुगल शुगल में जानते नहीं, कह रहे हैं भाई तालियां तालियां। आगे जनाब आगे, तभी फाक कैसा एक्सपीरियंस था भाई, पैराग्लाइडिंग का कैसा एक्सपीरियंस था, चेक कराओ। ओए 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 भाई जी, वाह जी वाह, डर लगा नहीं, सही बंदा ये है, इसने तकरीबन 5 चक्कर लगाए उतर ही नहीं ना यार, इसके चक्कर में मैंने नई जगह पे रियाज कर दी, उन्होंने नई जगह पे रियाज कर दी।
चलो भैया अंधेरा हो गया, आपने कहा भाई यहाँ से आप निकलो। जी उरिया क्यों डर लग रही है, मेरी जान को बाबा साथ है ना? ओए नहीं ना जानू, बाबा साथ है ना मेरी प्यारी उरिया। बुबू नहीं आता है उरिया, बुबू नहीं आता मेरी प्यारी उरिया, नहीं आएगा बुबू, इधर बता दो सारा। ये बच्ची को ना पता क्यों, ये देखिए, ये देखिए सारा कितना अंधेरा है सिर्फ, और सिर्फ बेसिकली इसके उनके ऊपर रोशनी है, और वो इसको बुबू बुबू को लग रहा है कि डर। क्या बताओ इनको, जाओ बुबू यहाँ से जाओ। मैंने कह दिया, बाबा ने कह दिया जाओ बुबू, आप भी कह दो बुबू को बाबा मेरे साथ जाओ, जाओ बुबू। हाय हाय भाई जी, पैदल चल चल के जो है वो हम थक गए, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक जो है ना, यहाँ से वो सामने जहाँ पे लाइटें लगी है ना, वहाँ तक हम पैदल गए थे, और अभी वहाँ से पैदल वापस आए हैं रिजॉर्ट की तरफ अपने। और ये रात में चेक करो कैसा कोई खूबसूरत लग रहा है ये। क्यों बेगम थक गई, बहुत थक गए आज, और वहाँ इतना अंधेरा, ये जगह वैसे अब अच्छी लग रही है। भाई मैं आ चुका हूँ इधर ऊपर ज़रा ताज़ा हवा लेने के लिए, और ये हुरिया और मामा नीचे जो हैं वो याशी कर रहे हैं। भाई बहुत खूबसूरत जगह है माशाल्लाह से, और काफ़ी इन्जॉय किया सारा दिन हमारा आज यहाँ पे, बहुत अच्छा स्पेंड हुआ है। और अब रात हो चुकी है, अब थोड़ी देर तक जो है वो सोने की तैयारी करेंगे। और अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर, बूम।